बद्रीनाथ में ना अभी तकड़ा वाला स्नोफॉल चालू हो गया है। बद्री विशाल, जय बद्री। तो भैया कितनी बर्फ है, देखो इधर क्या हो रहा है इधर। फाइनली बद्रीनाथ से ही बर्फ की शुरुआत हो गई है। आई विल रेक्टिफाई, इट इज रादर बेटर देन हिंदू धर्म, इट इज अ सनातन धर्म। सनातन मीन एवरीवन। ये हादसा होने के बाद ब्लॉगिंग शुरू करी थी या उससे पहले? अभी एक साल पहले लॉकडाउन में स्टार्ट किया था मैंने। सरदार भाई के पैर में कोई 4 साल पहले कोई जो भी हादसा हुआ होगा। मैं केदारनाथ का ट्रैक करके वापस आया। केदारनाथ करके आ चुके हो? पैदल ट्रैक किया था? पैदल ट्रैक किया। क्या बात है यार, जन्नत है, जन्नत है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। कि अगर भविष्य में जब नर और नारायण पर्वत ना दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, उस दिन पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान ने कहा उद्धव को कि उद्धव जाओ, अब मेरा समय हो गया है, मैं आपको बद्री का आश्रम में मिलूंगा। यहाँ उद्धव जी अंदर बैठते हैं तो उद्धव जी का अंदर विग्रह ठाकुर जी के साथ। यहाँ बद्री का आश्रम में रहते हो, भागवत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। माता पार्वती अपने जो है बालों को धोती थी, अपने केसों को धोती थी। आप इसकी जो भाप निकल रही है, आप भाप देख के समझ सकते हो कि ये पानी कितना गर्म है। बोलते हैं जितना बाहर टेम्परेचर ठंडा होगा, नीचे पानी उतना ही ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो तो भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। सुबह के बज रहे हैं आप 8:27 और मुझे लग रहा है कि जैसे 6 बज रहा होगा। यहाँ का मौसम इतना ठंडा है ना, मैंने दो दो चीज ढक रखी है उसके बाद भी ऐसी हालत है ना यहाँ पे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में, एक नए एपिसोड में और एक नई लोकेशन में। तो अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं ट्रैवल, मोटो और एडवेंचर से भरे हुए सारे ब्लॉग। अभी हम है अपने होटल पे, तो अभी जो अपने कमल भाई ना उधर चाय बना रहे हैं बढ़िया वाली सुबह मॉर्निंग की। तो भाई साहब ऐसा है ना, ठंडा इतना ज्यादा हो रहा है ना, मेरी गोप्रो की सारी बैटरियां खत्म हो चुकी है, सब ड्रेन हो चुकी है, जबकि मैंने कल ही सारी फुल करी थी और थोड़ा थोड़ा यूज किया था। इधर देखो हालत, चाय अभी बनाई है और चाय की हालत देखो। ये देखो भाई, ये हमारे कमल भाई हैं, कमल भाई बना रहे हैं बढ़िया वाली चाय, और उनका एक दोस्त है ये हमारे इधर, वो सोए हुए हैं भाई, बड़े बेसरम है। इनका काम सिर्फ सोना और रोटी। अभी बर्तन धोए हैं, अभी क्या करेंगे बर्तन धोए। तो भैया जी ऐसा है, अनिल दा लो चाय, मॉर्निंग। ये हमारे अनिल दा, थैंक यू दाजू हमारे, ये हमारी चाय हो गई। तो भाई इसको पिला दो चाय। भास्कर भास्कर दा, भास्कर दा चाय तक लगा। सर तक लगा। तो भाई अभी क्या है ना, सूप की तैयारी चल रही है। क्या सूप एक कटोरी पी ली है, और तुम्हारे भाई को चाहिए कम से कम 2 से 3 बार सूप, क्योंकि ठंडा इतना ज्यादा है। और सूप के लिए अपने भास्कर भाई का धन्यवाद। और चाय बनाई हमारे किस भाई ने, ये भाई सूप ना इतना जबरदस्त बना रहा है, मेरे हाथ झन जले यार तू। तो भाई लोग ऐसा है, कमरे से बाहर आ गए और अभी हम लोग जा रहे हैं, आपका नया दिन है, नया नजारा है। और ना कल रात जो बर्फ गिरी है ना, उधर जो आपके पहाड़ है ना वो एकदम बर्फ से ढक गए हैं। तो अभी हम सुबह के टाइम पे बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ताकि जो रात को हम मिस कर चुके हैं वो हम अभी बड़ी खूबसूरती के साथ से वो सब चीजें देखें और आपको दिखाएं। ये आज का सेकंड डे है बद्रीनाथ के अंदर। तो आज हम उस तप्त कुंड में नहाने वाले हैं जहाँ पे पार्वती माता अपने बाल धोया करती थी। आज वही तप्त कुंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग में। तो भैया अभी हम बिल्कुल अलकनंदा नदी के ना बिल्कुल पास में आ गए हैं। मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा अलकनंदा नदी और वो जो बद्रीनाथ मंदिर का जो पूरा व्यू है ना, ये आपके बिल्कुल ठीक नीचे बह रही है, इसे बोलते हैं अलकनंदा नदी। और वो जो सामने कुंड दिखाई दे रहे हैं ना, तप्त कुंड, और वो कुंड है जहाँ पे माता पार्वती ना अपने बाल धोया करती थी, जहाँ पे भगवान विष्णु ने उनसे बाल रूप में आके हट करके ना इस धाम को, बद्रीनाथ धाम को मांग लिया था या छीन लिया था, आप कुछ भी कह सकते हैं। वो सामने आपको दिखाई दे रहा जो ब्रिज है ना, कल रात सब कुछ शायद ये सब चीज़ें मैं आपको प्रॉपरली दिखा नहीं पाऊंगा, बट अभी मॉर्निंग के टाइम पे मुझे लगा था कि भीड़ थोड़ा कम होगी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा क्राउड है। जो पर्वत दिखाई दे रहा है बिल्कुल ठीक पीछे, वो नीलकंठ पर्वत है। ये जो नदी आपको दिखाई दे रही होगी, इस नदी के पार जो ये पर्वत है ना, ये जो सारे पर्वत हैं, ये नारायण पर्वत है। नारायण पर्वत का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जब धर्म के 2 पुत्र हुए थे नर और नारायण ना, तो उन्होंने यहीं पर क्या कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए तपस्या करी थी। तो ये आपका नारायण पर्वत है, और नारायण पर्वत का पूरा मैं आपको उल्लेख बताऊँ ना, तो महाभारत में जिन्होंने क्या कहते हैं कृष्ण का अवतार लिया था वो थे नारायण। और इधर जिधर मैं खड़ा हूँ ये है आपका नर पर्वत। नर पर्वत वो हैं जिन्होंने महाभारत में अर्जुन का अवतार लिया था। तो ये नर और नारायण पर्वत है, इसके ऊपर
ये कहा जाता है कि अगर भविष्य में जब नर और नारायण पर्वत ना दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, उस दिन पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और ये विष्णु पुराण में लिखी है, स्कंद पुराण में लिखी है, तो वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं अभी उस ब्रिज की ओर और आपको दिखाता हूँ मैं बद्रीनाथ का पूरा नजारा। ये हम बिल्कुल मंदिर के निकट पहुँच चुके हैं। ये आपका आपको ब्रिज मिलेगा अलकनंदा पुल के ऊपर, बिल्कुल ठीक सामने। जय बद्री विशाल। उधर से आपको अलकनंदा बह के आ रही है, और ये जहाँ से बह के आती है ना स्वर्गारोहिणी साइड से, वहाँ पे इसको सरस्वती नदी के रूप में कहते हैं। तो अभी ना यहाँ पे हवा इतनी तेज चल रही है और सच में बहुत ठंडी हवा। भैया हम एक बार फिर से पहुँच गए हैं आपका बद्रीनाथ धाम में, और ये है आपका सुबह का नज़ारा। कल रात जब लाइटें जल रही थी ना, आपका नज़ारा थोड़ा डिफरेंट था और अभी का नज़ारा बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसा है ना, जो हमारी ये उत्तराखंड यात्रा है, इस यात्रा में अपना पहला चार धाम का जो धाम है ना वो हमने कर लिया है, जिसे हम आपका बद्रीनाथ धाम बोलते हैं। और इसके बाद मैं जाऊंगा आपका केदारनाथ धाम। तो यहाँ से इसके बाद मैं जाने वाला त्रियुगी नारायण, जहाँ पे शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी। सबसे पहले हमें नीचे तप्त कुंड में जाना है। तो तप्त कुंड का दिखाता हूँ नज़ारा कैसा है। मेरे बिल्कुल ठीक पीछे है तप्त कुंड, यहाँ देखो आप। यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, और ये जो कुंड आपको दिखाई दे रहा है ना तप्त कुंड, ये गर्म कुंड है। कि जितना टेम्परेचर यहाँ पे बाहर होता है ना, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर अगर औसतन देखा जाए तो 16 या 15 होता है, बट यहाँ का जो कुंड का टेम्परेचर उसका 2-3 गुना गर्म होता है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है यार, कि एक साइड बिल्कुल ठंडा बर्फ का शीतल पानी, इतना ठंडा कि आप जाएंगे ना तो ये समझ लो कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो इधर जो कुंड है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की महिमा है कि अपने लिए उन्होंने पानी को गर्म करने का जो चमत्कार दिया था ना, ये सब कुछ भगवान की महिमा है। उन्होंने जिस तरीके से इस बद्रीनाथ भूमि को रचा है ना, बोलते हैं कि इस जैसा तीर्थ ना भूतकाल में कोई था ना भविष्य में कोई होगा। ये विष्णु पुराण में लिखा गया है। वेद व्यास ने जो महाभारत लिखी थी ना, वो भी बद्रीनाथ में लिखी थी। पांडव जब अपने स्वर्गारोहिणी को जाने वाले थे ना, कि उन्होंने अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों को मारा है युद्ध में, तो उसके बाद उनको बहुत गिल्ट था अपने अंदर। तो भगवान कृष्ण ने उनको बोला था कि आप महादेव के दर्शन के लिए जाओ, आपको महादेव मिलेंगे, उसके बाद वही आपको स्वर्ग का रास्ता बताएंगे। तो केदारनाथ गए, वहां उनको महादेव मिले, उसके बाद उन्होंने उनको रास्ता बताया कि आप बद्रीनाथ होते हुए जाओ, क्योंकि बद्रीनाथ अगर एक बार अपने जीवन में कोई कर लेता है ना, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा बोलते हैं कि जिसने बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए, और लोग अपने पितरों का जो पिंडदान और बहुत सारी चीज होती है तर्पण बोलते हैं, अगर उन्होंने बद्रीनाथ माँ के किया ना, तो उनके पितरों को डायरेक्ट स्वर्ग की प्राप्ति होती, ऐसा विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। तो पांडव क्या है, केदारनाथ से बद्रीनाथ आए थे, और बद्रीनाथ आके ना उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे शिलान्यास किए, उसके बाद वो यहाँ से निकले माणा गाँव की तरफ। माणा गाँव जहाँ मैं आपको अगले ब्लॉग में लेके चलने वाला हूँ। मैं तो क्या, यहाँ से जब पांडव स्वर्गारोहिणी होते हुए गए थे ना, तो धीरे धीरे सारे पांडवों में से सबकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्वर्ग में वही पहुंचेगा जिसने कोई पाप नहीं किया हो, जिसने कोई झूठ नहीं बोला हो। तो हर किसी को किसी ना किसी चीज का घमंड था। सबसे पहले जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी द्रौपदी की, उसके बाद जो मृत्यु हुई थी वो नकुल और सहदेव की, उसके बाद जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी अर्जुन की, सबसे लास्ट में हुई थी आपका भीम की। सब लोग जाने लगे, लास्ट में युधिष्ठिर बचे थे। जब वो स्वर्ग पहुंचे ना, तो उनके साथ उन्होंने देखा एक कुत्ता शुरू से लास्ट तक उनके साथ चल रहा था। तो वहां पर स्वर्ग का जो द्वार खुल रहा था, उन्होंने बोला कि आपको स्वर्ग में आने तो देंगे, लेकिन एक शर्त होगी। वो शर्त क्या है, वो ये है कि आप सिर्फ अकेले इसके अंदर आओगे, आपके साथ ये कुत्ता अंदर नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला कि ये कुत्ता मेरे साथ ना शुरू से लेके अभी तक, जब से हमने स्वर्गारोहिणी का हमने रास्ता पकड़ा है, तब से मेरे सारे भाई और ये कुत्ता हमारे साथ में है, लेकिन मेरे सारे भाइयों की मृत्यु हो गई, हमारी बीवी की मृत्यु हो गई, लेकिन ये कुत्ता मेरे साथ अभी तक है। तो मैं अकेले स्वर्ग के अंदर नहीं आऊँगा, मैं इस कुत्ते को भी लेकर आऊँगा। तो बाद में पता चला वो कुत्ता कौन है, तो बाद में उस कुत्ते ने जब अपना असली रूप लिया ना, तो पता चला वो यम था, और यमराज मतलब खुद युधिष्ठिर के साथ साथ चल रहे थे। यमराज ने उनको बताया कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए चल रहा था, मैं तुम्हारे साथ के 5 भाइयों को लेकर जा चुका हूँ मैं सीधे स्वर्ग में। युधिष्ठिर डायरेक्ट वहाँ से स्वर्ग पैदल पहुँचे। तो ये पूरी कहानी थी स्वर्गारोहिणी की, कि कैसे पांडव आपका स्वर्ग गए, युधिष्ठिर गए ओनली, बाकी पांडव अपने किसी ना किसी घमंड और गलती और पाप की वजह से स्वर्ग डायरेक्ट पैदल नहीं पहुँच पाए। तो
कि वरना अभी मैं जाने वाला हूँ केदारनाथ। ऐसा है ना, मैं अभी यहाँ पे घूम रहा था तो मैं देख रहा था, मैं नोटिस कर रहा था भाई के पैर में कोई 4 साल पहले कोई जो भी हादसा हुआ होगा, तो मतलब देख के ना एक अलग से मोटिवेशन सा आ जाता है कि यार हाँ, मतलब जहाँ पर हम जाने में ना हम सोचते हैं कि यार हम थक जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट भाई इतनी हिम्मत करके ना। और दूसरी बात, भाई ट्रैवल ब्लॉगर है, ट्रैवल ब्लॉगर मतलब यार सच में ये एक मोटिवेशन से कम नहीं हमारे लिए। तो भाई राजस्थान में मतलब ये हादसा होने के बाद ब्लॉगिंग शुरू करी थी या उससे पहले? अभी 1 साल पहले लॉकडाउन में स्टार्ट किया था मैंने ब्लॉग। एक साल पहले लॉकडाउन में। तो अभी कहाँ कहाँ घूम चुके हो? अभी मैं केदारनाथ का ट्रैक करके वापस आया। केदारनाथ करके आ चुके हो? पैदल ट्रैक किया था? क्या बात है यार, इतनी दिक्कतों के बावजूद ना भाई केदारनाथ का पैदल ट्रैक करके आ चुका है। और हमारे साथ के जो बंदे हैं ना वो कह रहे हैं कि पैदल ट्रैक कैसे होगा, वैसे मैं तो एक बार केदारनाथ कर चुका हूँ। तो अभी हम कल निकलेंगे यहाँ से केदारनाथ के लिए। तो भाई लोग हमारे साथ जो भाई मिले ना अभी हमारे साथ माड़ा गाँव के ट्रैक पे ना ये भी चलने वाले हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि साथ में ट्रैक करते हैं माड़ा गाँव का तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी भाई से मुलाकात हुई है तो अच्छी खासी यारी भी हो गई हमारी। तो यहाँ पे ना यार ठंडा इतना ज़्यादा है ना, तो आपको इधर मंदिर के बगल में ना चाय भी मिल जाएगी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ठंडा इतना ज़्यादा है उसके लिए आपको चाय की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो भाई इधर अपनी बन रही है बढ़िया बढ़िया गरम गरम चाय। भाई मीठा थोड़ा ज़्यादा करना। हाँ तो भैया जी, जिस चीज़ का इंतज़ार था ना वो हो गया, फाइनली यहाँ पर स्नोफॉल शुरू हो गया है और देखो हल्की हल्की बर्फबारी स्टार्ट हो गई है भाई, मतलब गरम गरम चाय और ऊपर से स्नोफॉल, क्या बात। तो अभी हमारे सामने हमको एक विशाखापट्टनम से कुछ लोग मिले हैं श्रद्धालु जो वहाँ से यहाँ आए हैं, तो अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। मैडम तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? मौसम अच्छी लग रही है। तो आपको स्नोफॉल पसंद है या नहीं पहले ये बताइए। हम लोग सोचे होगा कि नहीं होगा। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। तो भाई जय बद्री विशाल, यहाँ चेस नहीं बोलते हैं। जय बद्री विशाल, मजा आ गया। तो जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। तो अभी स्नोफॉल के साथ साथ ना हमको यहाँ पे गुरुजी मिले। पर बद्री विशाल भगवान जो है सुखदेव ऋषि ने पूरा उसका वर्णन है और हमारे सनातन का स्तंभ है, हेडक्वार्टर है, यहाँ पूरा भारत वर्ष आता है। विप्र कृपा धरणी धरो हम, विप्र कृपा सृष्टि करो, विप्र चरण वृंदाए नमो नमः। तो हर युग में भगवान ने जब भी किसी पे कृपा की तो ब्राह्मण का ही वेश लिया। भगवान ने कहा उद्धव को कि उद्धव जाओ मेरा समय हो गया है, मैं आपको बद्री का आश्रम में मिलूंगा। यहाँ उद्धव जी अंदर बैठते हैं तो उद्धव जी का अंदर विग्रह ठाकुर जी के साथ। यहाँ बद्री का आश्रम में रहते हैं, भागवत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। उनके पाँव में हल्का सा तीर लगा था, पाँव कटने से तो आदमी मरता नहीं, तो तीर लगने से मरना था क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो उनका एक लीला। उद्धव ने कहा कि तुम कहाँ है? बोले मैं बद्री का आश्रम में बैठा हूँ, वहाँ मिलूंगा आपको। तो आज भी उद्धव यहाँ रहते हैं, मेरे भागवत बद्री विशाल साक्षात नारायण है यहाँ। और यहाँ आप आए हैं ठाकुर जी कृपा से आए हैं। एक दिन का पुण्य जो है, एक दिन में आप तप करते हैं तो 10,000 वर्ष तप करने का पुण्य मिलता है बद्री विशाल में। बद्री विशाल में बाकी जगह जितने भी आप तीर्थ करेंगे वहाँ का पुण्य अनंत गुना है, लेकिन यहाँ का पुण्य अक्षय है। आई विल रेक्टिफाई इट इज रादर बेटर देन हिंदू धर्म। वास्तव में इट इज अ सनातन धर्म। सनातन सनातन बिल्कुल। सनातन मीन एवरीवन। माताएं, माताओं को जितना, जब हम माताओं को मानते हैं बिल्कुल, लक्ष्मी जी की पूजन हो रहा है बिल्कुल, कन्या पूजन हो रहा है बिल्कुल हो रहा है, माताओं का इतना अच्छा यजन हमारे सनातन में होता कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता हमारे मंदिरों में। अब देखिए मस्जिदों में माताएं नहीं जाती है, वहाँ कुरान नहीं कर सकती, नहीं पढ़ सकते हैं, हज नहीं कर सकती, कमाल है। कोई भी पोप लेडीज नहीं हुई आता बिल्कुल, कभी नहीं। हमारी तो देखो कितनी विदुषियां, अगर हमारे भगवान जो है ना हिंदुओं के होते तो रसखान पे कृपा नहीं होती। सही बात है, सही बात है। कबीर राम जी हिंदुओं पे कृपा करते तो रहीम जी पे कृपा नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमारे राम जी तो सबके हैं, सनातन सबका। बिल्कुल बिल्कुल। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। गुरु जी सच में आपसे ना इतना कुछ देखने को मिला, इतना सुनने को मिला, इतना कुछ तो मुझे पता भी नहीं था। तो भैया जी ऐसे मतलब आपको बद्रीनाथ में ना इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे। शुरू हो रही है अभी, देखो शाम तक लगभग आधा एक फीट बर्फ हो जाएगा। तो भाई स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है बद्रीनाथ में, क्या बात है भाई। ये पहली स्नोफॉल ट्रेवल हमारा बद्रीनाथ का भाई। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। अब थोड़ी देर में ना हैवी वाला स्नोफॉल हो जाएगा यहाँ पे, मजा आ रहा है ना। मैं बद्रीनाथ में स्नोफॉल का जो आपको दिखा रहा हूँ ना यार, तो मतलब ये सब कुछ मेरे लिए भी बहुत खास है यार, सच में बहुत खास। मैं सोच रहा था कि यार बद्रीनाथ पे नहीं तो केदारनाथ पे कहीं तो बर्फ पड़ जाए यार, फाइनली बद्रीनाथ से ही बर्फ की शुरुआत हो गई है।
तो भाई तुम ये देख सकते हो अभी बर्फ किस तरीके से पड़ रही है यार। और मैं इधर से ना इंस्टाग्राम पे लाइव भी आ रहा हूँ और स्नोफॉल तकड़ा वाला हो चुका है, ये आप देख लो इधर बद्रीनाथ में ना अभी तकड़ा वाला स्नोफॉल चालू हो गया है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। चलो यार एक छोटा सा राइड ना पूरा हो गया कि अपने को ना पूरे बर्फ को लाइव गिरते हुए देखना था अभी बद्रीनाथ के अंदर। तो बाबा मेरा ना सपना था मतलब कि ऐसे बर्फ में बद्रीनाथ और केदारनाथ को मतलब इस तरीके से एक्सप्लोर करने का, और आज ना बद्रीनाथ में तकड़ा वाला हैवी वाला ना स्नोफॉल होने लग गया है और ऐसा कह रहे हैं कि शाम तक ना यहाँ पे 1 से 1.5 फीट तक ना बर्फ गिर जाएगी बिल्कुल तगड़ी वाली। -7 से -3 का अभी का जो टेम्परेचर है वो -7 से -3 के आसपास है और तकड़ा वाला ना स्नोफॉल हो रहा है बहुत ज्यादा। और मैं इधर से ना अपने घर वालों को भी अपडेट दे रहा हूँ, लाइव देखो इधर। भाई अभी ना पूरे बद्रीनाथ में ना सच में स्नोफॉल का ना पूरा मजा ले रहे हैं। इनका बर्फ से भाई हालत खराब हो गई है लॉकडाउन की, देखो उन्होंने बोल रहे थे कि बर्फ पड़ेगी तो मजा आएगा, लेकिन अभी क्या है स्नोफॉल का मजा तो पूरा ले लिया हमने यार, मतलब मजा आ गया। ये ब्लॉग ना जबरदस्त एकदम एक नंबर ब्लॉग हो गया है ये। तो भाई लोग ऐसा है ना यहाँ बर्फ़ पड़ गई है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो हम दोबारा से फिर से चाय पीने आए यहाँ पे। और बर्फ़ के लिए देखो लोग अपना इंतजाम कैसे कर रहे हैं, ये पहले से ही पूरा तैयारी कर रहे हैं ताकि बर्फ़ अगर शाम को बहुत ज़्यादा पड़ेगी ना तो उसके लिए पहले से ही पूरा पन्नी वन्नी लगा के ताकि इनकी दुकान पे कोई दिक्कत ना हो। अब स्नोफॉल के बाद ना मैं आपको लेके चलने वाला हूँ तप्त कुंड की ओर, और लौंडे ना मेरी टोपी लेके चले गए और मुझे स्नोफॉल पड़ते ही ये वाली टोपी दे दी है भाई। तो अभी मैं आपको लेके कहाँ चल रहा हूँ, तप्त कुंड में, जहाँ पर माता पार्वती अपने जो है बालों को धोती थी, अपने केसों को धोती थी। तो भाई गर्म है, कितना गर्म है, गर्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मुंह में लाते हैं, बहुत रहा है। अरे भाई बहुत गर्म है, हम पक जाएंगे, पता ही क्यों हो रहा है इतना गर्म, ये इतना बाहर ना जितना ज्यादा गर्म होगा ये उतना ठंडा होगा। भाई कितना गर्म है पानी, बहुत गर्म, बहुत। तो भाई कितना गर्म लग रहा है, तो आप इसकी जो भाप निकल रही है आप भाप देख के समझ सकते हो कि ये पानी कितना गर्म है। बोलते हैं कि जितना बाहर टेम्परेचर ठंडा होगा नीचे पानी उतना ही ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो इधर स्नोफॉल हो रहा है, -7 डिग्री पहुंच चुका है यहाँ का टेम्परेचर, और थोड़ी देर -10 -20 भी हो जाएगा, तो ये पानी उसी हिसाब से उतना ही गर्म होता रहा। ओ भाई कितना गर्म पानी है यार, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, गीजर का पानी है सच में। लेकिन बोलते हैं कि ओ भाई इतना गर्म यार, ये बहुत गर्म हो रहा है सच में, पानी मुंह जल जाएगा ऐसा लग रहा है। बट ऐसा है ना भाई, बाहर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना उतना ही ज़्यादा पानी गर्म हो रहा है और मेरे हाथ जल रहे हैं सच में। कहते हैं कि इस तप्त कुंड का पानी ना अगर कोई मुँह हाथ धोले नहा ले तो उसके आधे रोग तो ऐसे ही कट जाते हैं। ओहो नारद कुंड है ना यहाँ पे, नारद कुंड के लिए इसलिए ऐसा बोलते हैं कि नारद ने यहाँ पे 60,000 वर्षों तक की तपस्या करी। भगवान विष्णु दीर्घ काल तक इसी कुंड में वास किया करते थे और इसी कारण इसे क्षीर सागर भी कहा जाता है। और द्वापर के अंत में ब्रह्म जी द्वारा इसी नारद कुंड से भगवान विष्णु का चतुर्भुज श्री विग्रह लेकर मंदिर में स्थापित किया गया था। मतलब इस मंदिर में जो कहते हैं शिला स्थापित है ना चतुर्भुज, तो वो ब्रह्मा जी द्वारा वो यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। यहाँ पे लिखा था ना जो, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से यहाँ का नज़ारा है। ठीक है भाई, तो ये है आपका क्या नारद कुंड। तो भैया इससे पहले जो मैं कवर कर रहा था ना वो था आपका नारद कुंड, और नारद कुंड के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। ये आपका तप्त कुंड है, इधर से अलकनंदा का पानी अगर देखेंगे ना आप कितना साफ कितना क्लियर है, ऊपर स्वर्गारोहिणी से सरस्वती नदी नाम से बह के आ रहा है, और यहाँ से नीचे जाके ना ये कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग में जाने के बाद ना यही माँ गंगा के रूप में बदल जाता है, क्योंकि ऊपर से ना बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है जो मिल के ना नीचे जाके माँ गंगा बन जाती है। तो कहते हैं कि यहाँ से गंगा जल भरना बहुत पवित्र माना जाता है। तो भैया जी ये आपका तप्त कुंड। हम लोग बद्रीनाथ मंदिर से ना अब से निकल रहे हैं, और आप स्नोफॉल की हालत देखो, आप कितना स्नोफॉल होने लग गया है यहाँ पे यार, मजा आ गया सच में, बहुत जबरदस्त ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ। ये नज़ारे हैं बद्री नाथ के, बद्री विशाल के, और ना अभी मतलब मैं क्या बोलूँ यार आपसे, बहुत कुछ नया देखा यहाँ पे, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत लोगों से सुना यहाँ के बारे में, पौराणिक कथाएं सुनी,
बहुत कुछ जाना बद्री साल के बारे में कि ये एक सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये एक ऐसी भूमि है, ये एक ऐसा तीर्थ स्थल है मतलब जहाँ पे ना सिर्फ दर्शन मात्र से सारे मतलब 60,000 वर्षों तक ना ऋषि नारद ने ना यहाँ पे 60,000 वर्षों तक तपस्या करी। तो अभी ये बद्रीनाथ की ना बाजार है, तो स्नोफॉल के बाद और भी रंगीन हो गए। देखो आप, अभी थोड़ी देर हाथ अगर ऐसे रखेंगे ना इसमें कितनी सारी बर्फ गिरेगी। देखो आप, ये देखो पिघल भी जा रही है एकदम। देखो भाई साहब स्नोफॉल, देखो आप ये देखो स्नोफॉल, ये देखो पुलिस विभाग से। चलो जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। तो भाई साहब ये है देखो यहाँ के नजारे यार, और जाते तो भैया जी ऐसा है ना स्नोफॉल देखो और ज्यादा तेज होने लग गया यार। ये देखो आप स्पीड, देखो आप स्नोफॉल की बर्फ देखो यार आप, आए रब्बा जन्नत है, जन्नत है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। तो भैया कितनी बर्फ है देखो इधर, क्या हो रहा है इधर, बर्फ के नजारे दिख रहे हैं ना आपको भाई। सच में मैंने इतना ज्यादा हैवी वाला स्नोफॉल कभी नहीं देखा यार, बहुत तेज वाली बर्फ हो गई। देखो इधर आप गजब एकदम नजारे, एक नंबर। जी जी जम गई, देखो इधर, ओरे भाई जम गई बर्फ ये पूरी।